Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, Sai link description box mein. नमस्ते, दिस इज द्विजा. और कैसे हैं आप? हम देख रहे हैं मीट एंग्री प्राश एपिसोड 97, संदीप महेश्वरी. ओ वाओ, मतलब हमने लास्ट टाइम बोला था कि हम बहुत ही खुश है कि हम दोनों को देखना पसंद करते हैं, बट द सेम टाइम दो जन जिनको आप कब से देख रहे हैं वो साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मज़े की बात क्या हो सकती है. एंड आई थिंक सिंस लास्ट फ्यू एपिसोड्स हम उन्हीं लोगों को देख रहे हैं जिन पर हम लोग वीडियोज़ कर रहे थे, सो आई एम मोर देन ग्लैड दैट ये चीज़ हुई. आई नो अ लॉट ऑफ यू वॉन्ट मी टू डू एंग्री प्राश के वीडियोज़, समहाउ पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हम बीच में, बट आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट अगेन दैट वी री स्टार्ट डूइंग हिज वीडियोज़. काफ़ी सारे उनके जो पुराने वीडियोज़ है डज हैव बिट ऑफ लैंग्वेज एंड विजुअल प्रॉब्लम्स, क्योंकि पहले जो चीज़ अवेलेबल अलाउड थी यूट्यूब पे विथ लाइक द लैंग्वेज हो, अडल्ट लैंग्वेज हो या फिर अडल्ट सीन्स हो या फिर अडल्ट चीज़ें हो विजुअली, मे बी आई डोंट नो सर्टन थिंग्स लाइक दैट. It's not really allowed anymore, so much. So we can't do a lot of things, but हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं काट कूट के. We can try, क्योंकि हम दूसरे videos वैसे ही कर रहे हैं, right? So I apologize. I know कि मुझे करने हैं, हमें करने हैं, पर हम नहीं कर पा रहे हैं. And for some reason, I do not even have an excuse for it. So I have to apologize. I'm sorry. लेकिन at least ये आया है तो आज हम ये देख पाएंगे and we get to know a different side. ऑफ एंग्री प्राश जो हमें नहीं पता है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है. सो लेट्स गो, लेट्स गेट इट, हम प्ले. आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया है. प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली एंग्री प्राश. We'll actually hear his voice. Like, मैंने तो नहीं सुना अभी तक proper like. I'm sure अभी बहुत ही कम ऐसे YouTubers हैं जिनका face अभी तक किसी ने नहीं देखा है, right? Yes. आप उनमें से एक हो. Yeah. आप अंदर हो? मैं यहाँ पे हूँ, यही मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है. अभी कब से आप कर रहे हो ये YouTube का? तो मैंने शुरू किया था 2016 में YouTube करना and 2017 में I started Angry Prash. और आपका नाम जो रियल में है दैट इज प्रशांत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ओके, एंगल प्रश. वहीं से ही प्रैश आया? यस. और इस हेलमेट की क्या कहानी है? ये हेलमेट मतलब ये कहां से मिला आपको? तो ऐसा था कि व्हेन आई वाज अबाउट टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सबसे पहले तो मुझे सर आपके साथ बैठ के इतना नर्वस लग रहा है. अरे चिल 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 चिल, हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ. अरे देखो तो सही, मतलब उनको घुटन की हो रही होगी ना इसमें. Not easy. I was about to reach 1 million subscribers and बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि now we want to see you, we want to meet you. तो जैसे ही लोगों ने बोलना शुरू किया तो मेरे दिमाग में पहला thought तो यही आया था, ये तो मैं cover के लिए बोला था लेकिन actually ये thought आया था मैंने कि बहुत सारे cartoonist जो होते animators होते हमें like Oogie and the Cockroaches पता है, हमें Ben 10 पता है, but उनके creator हमें नहीं पता. वो मुझे भी वो क्यूरियोसिटी रखनी थी अपने लाइफ में, मिस्ट्री, बट अंदर से फैंस को मिलने की चाह भी बहुत थी. तो ऐसा सोचा कि चलो कुछ तो अलग करते. तो मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने बात की, बोला कि ब्रो हुडी पहन लेता हूँ एंड मास्क लगा लेता हूँ, कूल लगूंगा. तो वो बोला ब्रो तू मार्शमेलो को जानता है क्या? तो मैं बोला तू राइट, मैं सर पे मटका तो नहीं रखने वाला. तो बोला ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ. उसने कुछ 2.5-3 किलो का मेरे को हेलमेट बना के दिया, वो पूरा एंग्री बर्ड की तरह लग रहा था, उसे मेरी गर्दन भी अकड़ती थी. तो मैं एक 3D प्रिंटिंग आर्टिस्ट के पास गया, वहाँ पे उसने अपने सॉफ्टवेयर में मेरा पूरा स्कैनिंग करके डिजाइन किया एंड देन फिर ये वाला हेलमेट. अच्छा, इस हेलमेट की वजह से कई बार अनकंफर्टेबल भी होता होगा, जैसे पब्लिक अपीयरेंसेस में जाते हैं या वो YouTube फैन फेस्ट होता है वहां पर भी आप गए थे आई थिंक, ऐसे ही गए थे, तो उसमें अनकंफर्टेबल नहीं होता अंदर? बहुत ज्यादा, मतलब YouTube फैन फेस्ट हो या फिर यहाँ पे बैठा हो, सबसे पहली चीज तो माइंड में वो नर्वसनेस है, बट जब ऑडियंस दिखती है सामने तो फिर क्या, जितना भी टाइम चला जाए इतना फर्क नहीं पड़ता.
15 मिनट माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हैं। मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ना अभी सोशल मीडिया एक ऐसी चीज हो गई है जो लोग फेम के लिए करना चाह रहे हैं, एंड आपके पास ऑलरेडी इतना ह्यूज अमाउंट है सब्सक्राइबर का एंड ऑडियंस भी है काफी अच्छी, तो आपके मन में कभी ये नहीं आता कि यार मैं भी थोड़ा फेमस हूँ अपना फेस दिखा करके? आई फील कि फेम के लिए तुम्हें फेस दिखाने की जरूरत नहीं, अगर ऑडियंस मेरे लिए ताली बजा रही है तो मेरे लिए काफी है आई फील। एंड ये जो मास्क है हेलमेट है ये कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, एंड आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई लाइफ टू दीज कैरेक्टर्स एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर, सो उस चीज का मेरे को ज्यादा फैसिनेशन है देन शोइंग माई फेस एंड हैविंग फेम। अगर अभी आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपना फेस रिवील करते हो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग वैसे करोगे नहीं, तो उसमें दिक्कत क्या है, मतलब व्हाट इज द माइनस पॉइंट? मैं 2-3 दिन एम्बैरस रहूंगा और कुछ नहीं सर। ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया था बट मुझे डर तो था ये चीज का। अच्छा, लेकिन अगर कर दोगे तो कमाल हो जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब इससे बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता अगर आप अपना फेस रिवील करना चाहते हो। ऑफ कोर्स नॉट, आप सोच के देखो ना कि अगर थंबनेल पे लिखा हुआ है एंग्री प्राश फेस रिवील, कोई भी हो कैसा भी हो अगर उसको कोई बड़ी चीज करनी तो ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है फॉर मी, दिस प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है एंड मैं हैप्पीली कर सकता हूँ वो चीज, बट मैंने अपनी ऑडियंस को ऑलरेडी प्रॉमिस किया है दैट आई विल डू इट लेटर ऑन 10 मिलियन। राम राम जी सबने, मैं लाखा, मैं एक छोरी सारी का ढाका, तो मुझे आपसे ये पूछना था कि मतलब हम ना अपने आप में कसुत्ते हैं, मतलब हम गणेश उतरे हमें ऐसा लगता है और राज्जी भी है, लेकिन समस्या क्या है रिश्तेदारों की, तो ये रिश्तेदार हो ना वो इस तरह तान्ने मारे कत जी से चढ़ा हुआ है, मतलब ऐसा है ना ऐसे बोलते हैं जैसे मैं एक्सप्लेन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उनके एक्सेंट समझना, बट की छोरी दिखे ए बेटी कुछ खा लिया कर तो ऐसी हो रही ऐसी। तो मतलब आपको भी ऐसे सुनने को मिलता है रिश्तेदार कहते हो ए तू चोच से लेकर चल रहा है यू, लेकिन वहां वो ऐसा नहीं जाते होंगे ना, इट्स अ पर्सनल सेफ स्पेस। अच्छा क्वेश्चन है, ये जनता जानना चाहती है। तो पहले जब मैं शुरू किया था तब रिश्तेदारों का रिएक्शन वैसा ही था जैसा सब लोगों को मिलता है कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं काम धंधे नहीं है। मेरे डैड तो बोलते थे कि तू क्या है गुड़िया नचाता रहता है इंटरनेट पे, तो नहीं समझता, किसी को नहीं समझता, तो बेस्ट चीज होती है उसमें इग्नोर करना एंड उनको प्रूव करके दिखाना कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैंने ये कर दिया। सो आई थिंक जब पैसा आ जाता है ना तो सबका मुंह बंद हो जाता है, पैसा आ जाता है सीधी सी बात। मेरा क्वेश्चन ये है कि हर एक यूट्यूबर के पीछे जरूरी नहीं कि आपकी सक्सेस होता है, मतलब उसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क भी होता है, तो कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ तो मैं थोड़ा हैंडल नहीं कर पाती हूँ, तो आपने कैसे हैंडल किया अपनी जर्नी में? जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था उस टाइम पे बहुत सारे ब्लॉगर्स भी पॉपुलर हो रहे थे, बहुत सारे कॉमेडियंस पॉपुलर हो रहे थे उस टाइम पे, मेरे को लगता है कि यूट्यूब चैनल खोलना एंड कोई नया आइडिया के साथ काम करना थोड़ा ईजी था, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम जो भी कर रहे हो वो चीज़ अभी तुम लोग क्या चाहते हो, उस चीज़ में टॉप बनना है, उस चीज़ में तुम लोग को कुछ खुद का क्रिएट करना है जो बाकी किसी के पास ना हो, वो चीज़ करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। अगर आप बहुत सारा इंडियन क्रिएटर्स का कॉन्टेंट देख रहे हो एंड आपको लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, तो कहीं ना कहीं आपको वो जर्नी में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वो जर्नी में, बट अगर आप कुछ ऐसा लाते हो जो कोई इंडिया में नहीं कर रहा है, आपको पता है कि ये चीज़ मैं करूँगा और ये लोगों को पसंद आएगी एंड मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा जब तक लोगों को पसंद नहीं आती, बट मैं जो कर रहा हूँ वो और कोई नहीं कर रहा है, वो चीज़ अगर आपके पास है तो आप शॉर्ट है। इट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली। आपको अगर इन्फ्लुएंस होना ही है तो बजाय किसी ऐसे से इन्फ्लुएंस होने के जो इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, maybe in general, ऑलरेडी काफी लोग इन्फ्लुएंस हैं इंडिया, और अगर वो नंबर वन पे है तो नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर टेन, नंबर हंड्रेड तक आपको नजर आ जाएगा, तो उससे बेटर ये है कि कोई गैप ढूंढिए, ये देखिए कि इंटरनेशनली कौन लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं जो अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। पहले हम जो क्रिएटर्स थे हम लोग मोस्टली तब कोई ज्यादा यूट्यूबर्स थे नहीं, तो हम लोग इंग्लिश कंटेंट बहुत देखते थे, तो वो एक फैक्टर है कि उस टाइम पे बहुत सारे हम क्रिएटर्स गॉट इंस्पायर्ड बाय दोस क्रिएटर्स, बट अभी
आप अगर कोरियन कंटेंट देखोगे, साउथ कोरियन कंटेंट देखोगे, या फिर स्पैनिश कंटेंट देखोगे, या फिर जापानीज कंटेंट देखोगे, तो वहां से भी आपको बहुत सारे क्रेजी क्रेजी आइडियाज आ सकते हैं जिससे आप कुछ क्रिएट कर सकते। एक्सीलेंट पॉइंट। आप अगर कोई बिजनेस भी करना चाहते हो, जैसे आप में से कितने लोग हैं जो फ्यूचर में कभी अपना कुछ करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं? इतने सारे लोग हैं, तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से समझो। बजाय एक ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट में से आइडियाज निकालने की बजाय, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक ऐसी जगह पर जा करके ढूंढे आइडियाज को, अगर आइडियाज ढूंढने ही हैं, जो मार्केट यहाँ की मार्केट से बिल्कुल अलग है, तो वहां पे आपको बहुत कुछ अजीबो गरीब सा नजर आएगा। अब उसमें से कुछ आप कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, बेस्ड अपॉन योर रिसोर्सेज एंड बैकग्राउंड। कुछ है जो एकदम से क्लिक करेगा, आप कहोगे अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मेरी भी स्ट्रेंथ है। वहां से इंस्पिरेशन आएगी, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि अभी इंडिया में ऐसा कोई नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो मैं ये कर सकता हूं। और फिर आप जो करोगे वहां पे सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट अभी जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, यानी जो सक्सेसफुल है बस उसको देख करके वैसे ही कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, बिकॉज़ इट्स नॉट यू, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। इट्स देम। कोशिश किया करो हमेशा गैप ढूंढने की, और ये सिर्फ बिजनेस में यूट्यूब में ही रेलेवेंट नहीं है, इवन जॉब में भी रेलेवेंट है। जॉब में भी कोशिश करो कि कुछ ऐसा करो, इस तरीके की पढ़ाई करो, इस तरह की स्किल्स एक्वायर करो, इस तरह से आगे बढ़ो जो अभी ज्यादातर लोग ना कर रहे हो। अगर सभी वही कर रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो यू विल बी वन ऑफ देम, यू विल बी वन इन अ मिलियन। बनना ही है तो एक ऐसा बनना है जिसके पीछे लाखों लोग चले, जिसको देख करके लाखों लोग कुछ करें, तब मजा आएगा खेल में, तब आप कुछ बड़ा कर पाओगे। हाँ प्लीज बताइए। सर मैं, मेरा यहाँ पे रोहिणी में पॉपिनो रेस्टोरेंट है और पॉपिनो पार्टी हॉल है, तो मेरा ये एम है कि मैं पॉपिनो को एक चेन रेस्टोरेंट बनाना चाहती हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अब लाइफ में आपका क्या एम है? वैसे तो सर आप लोग ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हैं, आप लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर भी लाइफ के इस पॉइंट पे आके क्या ये लगता है क्या कि कुछ और भी है जो मैं अचीव करूं? आप दोनों से है क्वेश्चन। आई एम श्योर दे हैव। ये हमेशा रहना चाहिए कि और भी कुछ अचीव करना है, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर से आ गया ना कि बस अब करने के लिए कुछ नहीं है, उस दिन आप समझ जाओ कि आपका जो डीके है वो शुरू हो गया। जैसे नेचर में अगर आप देखोगे, कुछ भी जो भी है लाइफ में, जो भी जिंदा है, वो सब ग्रो कर रहा है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, सब ग्रो कर रहे हैं। तो यू मस्ट ऑलवेज कीप ग्रोइंग। ग्रोथ इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी। क्योंकि अगर अंदर से जिस दिन आपको ये लग गया ना कि अब मैं एज अ पर्सन ग्रो नहीं कर रही हूँ, एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रो नहीं कर रही हूँ, एज अ ये ग्रो नहीं कर रही हूँ, एज अ वो ग्रो नहीं कर रही हूँ, तो फिर जीने में मजा आना बंद हो जाएगा। तो एज फार एज आई एम कंसर्नड, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, दैट इज ये जो अभी सेशंस कर रहा हूँ, इसमें भी ग्रो कर रहा हूँ। आप देखो एक साल पहले मैं क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा हूँ, हो सकता है एक साल बाद कुछ बिल्कुल ही अलग कर रहा हूँगा। दैट इज़ वन। दूसरा, एज फार एज एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसर्न, बिजनेस इज कंसर्नड, वहाँ पर भी मैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा हूँ, यानी बहुत कुछ कर रहा हूँ अलग अलग तरीकों से। उसके अलावा यहाँ पे तो जो ग्रोथ है वो तो आपको दिख ही रही है, बाकी अगर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं तो आई थिंक वो भी ठीक ठाक ग्रो कर ही रहे हैं। ठीक है जी, यू गॉट द आंसर। हाँ, अब आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं 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 सर, पर आपके यूट्यूब चैनल को आपको मतलब आगे क्या विजन है आपका? YouTube चैनल तो मुझे ग्रो करना ही है, वो मेन लक्ष्य है मेरा, कि इसी में मुझे जो भी मैं कर रहा हूँ इसको मैं और कितना यूनिवर्स की तरह स्प्रेड कर सकूँ, जिसमें मैं अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग अपनी जर्नी पे भेज सकूँ एंड फिर उनको वापस मिला सकूँ। ये कुछ तो एक विजन में सोच रहा हूँ। वही मुझे कहीं ना कहीं मेरे स्टूडियो प्रोजेक्ट्स या एंग्री लायन का जो प्रोजेक्ट है उसमें नॉलेज लेने के लिए मजबूर करती है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी कीप ग्रोइंग। आप जब कोई वीडियो अपलोड करते हो तो आप कैसे करते हो, इन द सेंस कि मतलब क्या आप पहले देखते हो कि क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं? दैट्स हाउ हिज वीडियोस कम्स एज़ वेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जी, तो आप उसके ऊपर वीडियो बनाते हो या फिर अपने अंदर से जो आ रहा है वो कुछ भी करते हो, मतलब कैसे आप देखते हो? मोस्टली मेरी प्रायोरिटी रहती है कि जो मुझे करना है मैं उस पे टाइम ज्यादा स्पेंड करता हूँ, एंड उसको फिगर आउट करने की, राइट करने की, ट्रैश करने का मेरा एक प्रोसीजर रहता है। जो मेरी टीम है वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स एंड वो सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व है, मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड नहीं करता,
जो मेरा सो अभी रिसेंटली मैंने एक राइटर भी हायर किया है जो मुझे शॉर्ट्स के लिए कॉमेडी वीडियोस बना के, तो ही इज इनटू द रील्स एंड शॉर्ट्स, तो वो उसको बहुत ट्रेंड का पता है, तो कभी कभी मेरे पास आता है कि ये ट्रेंड है लेकिन हम लोग इसको एक कुछ तो ट्विस्ट करके ऐसा कुछ तो बना सकते हैं एंड देन आई डू, क्योंकि अभी ये ग्रोथ वाला पॉइंट चल रहा था ना, तो वहीं से मेरे माइंड में कुछ आइडियाज आ रहे थे कि अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँगा, मतलब क्या क्या किया जा सकता है। जैसे आज की डेट में यूट्यूब पे क्या होता है कि ट्रेंड बड़ी तेज़ी से चेंज होते हैं, या किसी भी बिजनेस में ट्रेंड बहुत तेज़ी से चेंज होता है, ज़रूरी नहीं है आज से 2-3 साल पहले जिस तरह का कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे थे यूट्यूब पे आज भी वही कर रहे हैं, पूरी तरह से बदल चुका है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, कुछ ऐसा कंटेंट बनाता जो इन्फोटेनमेंट से रिलेटेड होता, यानी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही हॉट है आज के टाइम में, जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, उसको शॉर्ट में फटाफट से अपने इसी हेलमेट के साथ में, इसी फेस के साथ में आ करके कुछ भी बोल के चला जाता, इन द सेंस के थोड़ा फनी वे में इन्फॉर्मेशन भी दे दी और फनी वे में बोल भी दिया, तो मतलब एक आपका टेक आ गया जिसके लिए लोग वेट करेंगे। जैसे कोई मूवी आ रही है उसके ऊपर बोल गए, जिस मूवी की बहुत ज्यादा हाइप है, yes, yes, yes. भाई ये क्या कचरा बनाया है तूने, ये ऐसे भी बोलते हो आप, मतलब मैं ठीक आवाज निकाल रहा था, गलत निकाल रहा था? एकदम सही सर, मतलब ये सेम चीज मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, बट जस्ट बिकॉज सर ने बोल दी तो अभी मैं इस पे काम करना शुरू कर दूंगा। मैं ये सोच रहा था बहुत टाइम से, बट कहीं ना कहीं मैं भी अटका था कि शुड आई डू इट और नो। प्लस आपका अपना एक ब्रांड बन सकता है, यूनिक एक ब्रांड बन सकता है, आइडेंटिटी बन सकती है, ब्रैश का क्या टेक है इस न्यूज के ऊपर, इस मूवी के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, तो लोग आएंगे आपका वो देखने के लिए। तो आई एम जस्ट थिंकिंग, मतलब दैट्स अ ग्रेट आइडिया। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, मजा आया आपसे मिल करके। शायद उनके सांस फूल रही थी लाइक व्हाइल टॉकिंग, आई फेल्ट लाइक इट मस्ट बी रियली डिफिकल्ट। ओह मैन, सो मच टू लर्न एवरी टाइम आई सी देयर वीडियोस, सीरियसली, लाइक दिस इज सो ट्रू। लाइक आई एम ए डांस इंस्ट्रक्टर बाय प्रोफेशन, राइट, फिर उसमें भी इट्स ऑलवेज द सेम थिंग, मतलब तुम एक कितने सारे एक लेन में 50 डांस क्लासेस मिल जाएंगे तुम्हें, बट यू हैव टू स्टैंड आउट, यू हैव टू हैव योर ओन आइडेंटिटी। मतलब हर डांसर की, हमारे ऐसा होता है यू नो, हर डांसर का एक फोर्टे होता है, नॉट एवरी वन इज़ गुड एट बॉलीवुड, नॉट एवरी वन हैज़ टू लर्न कंटेम्प्रेरी। कुछ लोग बॉलीवुड में अच्छे होते हैं, कुछ स्ट्रीट में अच्छे होते हैं, कुछ हील्स में अच्छे होते हैं, राइट, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स वेर यू हैव टू जस्ट गो एंड पिक योर स्टाइल, योर आइडेंटिटी, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो यू जस्ट बी लाइक एवरी वन एल्स, यू जस्ट लाइक सब तुम्हारे यहाँ डांस सीखने आ रहे, तुम नॉर्मल डांस सिखा रहे हो, दैट्स इट, बट व्हाट अबाउट यू, लाइक अगर एक सपोज एक अकेडमी है उसमें हर इंस्ट्रक्टर का अलग अलग होता है, यू नो एक मैथ्स टीचर होता है, फिजिक्स टीचर होता है, उसकी ज़रा इसकी हील्स, ओ माई गॉड यू नीड टू लर्न द कोरियोग्राफी फ्रॉम दिस पर्सन, अरे इसकी ये पर्टिकुलर बॉलीवुड की स्टाइल क्या ढस है यार, मज़ा आ जाता है करने में। सो इट्स समथिंग दैट वॉट वी हैव बीन टॉट एज वेल इन आवर एरिया। सो लाइक ही सेड कि वो सिर्फ यूट्यूब पे या फिर कोई और जगह पे नहीं होती है, इट्स इज समथिंग आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सको, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ और उसमें मज़ा आना चाहिए आपको। इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट जो आप कर रहे हो तो वो दिखने वाली है और आप बहुत टाइम तक वो खींच नहीं पाओगे। सो आई थिंक दैट्स लाइक सो 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 वेल सेड। एंड वो शॉर्ट्स वाला पार्ट, आई एम ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेटिंग विद द शॉर्ट्स एंड रील्स फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि उसी से ट्रेंड्स जाते हैं, एंड एवरी डे आई फील लाइक आज मैं रील बनाऊंगी, आज मैं ये करूँगी, बट देन आई फील लाइक यार रील बनानी है शी, यार रील नहीं बनानी है मुझे, कैसा लगेगा, दिस एंड दैट, एंड आई थिंक आई नीड टू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट नाउ, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड जस्ट गो विथ इट, क्योंकि वो ट्रेंड है, एट द एंड ऑफ द डे वो खींच के लाएगा विथ माई अदर कॉन्टेंट जो इंस्टाग्राम पर डांस का है, यहाँ पर जो भी है ब्लॉग्स है ये कर रहे हैं। नाउ सो आई वांट ट्राई ASMR reactions so bad, like हमने एक बार किया था, it didn't really work out well for a lot of people, but काफ़ी लोगों ने encourage भी किया था, so we can keep going for it, why not, we can also do ASMR podcasts, that's not a wrong thing to do, but कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो start कर सकते, धीरे धीरे उसमें अच्छे हो जाएंगे, और जिसको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं देखेंगे, and I think the same thing goes with a lot of discussion that I do in my videos, I know काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आता है, and not everyone does it in like really deep topics, but I like to do it and I want to keep it that way for my channel, so I loved it, I learned so much from this,
एंड आई ऑल्सो लर्न सो मच फ्रॉम यू गाइज. आई मीन मुझे पता है हर दिन आए दिन जब हम ऐसी कोई डिस्कशन करते हैं देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ वल्नरेबल कॉमेंट्स आपके साइड से जो मुझे भी काफ़ी चीज़ें सिखाती है. एंड आई लव दैट दिस बॉन्ड दैट वी शेयर. इट्स अमेजिंग. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय बेरीज. लव यू.